नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन पोस्ट में। मैं हूं मीनू वर्मा और आज मैं आपको लेकर आई हूं देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के गांव सोरखा में। सोरखा में आज क्यों लेकर आई हूं, यहां पर ये एक निशब्द एनिमल सेंटर है जहां पर जो बेजुबान जानवर है, सही कहते हैं कि दर्द बांटने से कम होता है, लेकिन उनके बारे में कभी आपने सोचा है जो कुछ कह नहीं सकते, अपने दर्द को बयां नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते कि वो कितने दर्द में हैं, और वो हर तरह का दर्द हो सकता है। और ये जो सेल्टर हाउस है जहां मैं आज आपको लेकर आई हूँ, ये उन्हीं के लिए है। ये एनिमल सेंटर हाउस है, यहाँ पर जो आपको स्ट्रीट डॉग्स दिखते हैं, अगर वो बीमार हैं या फिर उनको किसी भी तरह की परेशानी है, या फिर अगर उनको कोई ज़ख्म है, उनका एक्सीडेंट हो गया है, उनका पैर टूट गया, किसी भी तरह का कुछ भी है, तो उन हर तरह के बेजुबान जानवरों को ये निशब्द शेल्टर हाउस उनको आश्रय देता है। और यहाँ पर लोग आते हैं जो दूसरे लोग भी हैं इस शेल्टर हाउस से अलग, वो भी आते हैं यहाँ पर और इनके साथ समय बिताते हैं, कुछ इनके लिए कुछ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और आपको भी आज हम यहाँ इसीलिए लेकर आए हैं ताकि अगर आपके भी मन में ऐसे निशब्द जो कह नहीं सकते, अपने दर्द को बयां नहीं कर सकते, उनके लिए अगर आपके दिल में भी कोई भावना है तो आप भी यहाँ आ सकते हैं, इनके साथ वक्त बिता सकते हैं, अपना योगदान इनके दर्द को कम करने में थोड़ा ज़रूर दे सकते हैं। और आज आपको हम यही शेल्टर हाउस यहाँ पूरी तरह दिखाएंगे और फिर बताएंगे कि यहाँ किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जाती है, किस तरह के कैंपेन किए जाते हैं, किस तरह से आप इनके संस्था से जुड़ सकते हैं। बेजुबानों का सहारा ये निशब्द फाउंडेशन से अभी हमारे साथ नीरू कपूर जी हैं, आप उनसे भी जानिए कि कहाँ और क्या करता है ये फाउंडेशन। जी नीरू जी, आप बताएं। हाँ जी, ये निशब्द इज़ अ पार्ट ऑफ रामज्ञा फाउंडेशन। हम लोग यहाँ पे एनिमल शेल्टर है, जो भी बीमार या चोट लगी हुई होती है जिन डॉग्स को, वो यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ एक OPD की फैसिलिटी है, नॉर्मली कोई सर्जरी हो या कोई मतलब चोट लगी हो, पहले फर्स्ट एड दे के उसके बाद उसका पूरा इलाज किया जाता है और फिर वो उनको हम उन्हीं की जगह पे वापस छोड़ाते हैं। नीरू जी, ये जो आपने बताया आते हैं, या आते कैसे, या कोई पहुंचा के जाता है या आप जाके लाते हैं? हमारे पास एम्बुलेंस है तो हम खुद भी रेस्क्यू करते हैं और जो खुद छोड़ना चाहें, अगर वो आना चाहें तो वो लोग भी छोड़ देते हैं। हम दोनों तरह से, दोनों मॉडल चलते हैं। हमारे पास अपनी एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम है, तो हम उससे भी डॉग्स मंगवाते हैं। तो मतलब अगर स्ट्रीट पे कोई डॉग बीमार है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो कोई अगर आपको कॉल करे तो भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमें फ़ोन आते हैं वॉलंटियर्स के, हम बस चाहते हैं कि कोई उसका ओनर्स ले ताकि वो डॉग वापस चला जाए और रीलोकेट, हम उनको परमानेंट नहीं रखें, हमें वापस भेजने होते हैं वो डॉग्स। अच्छा, अगर किसी के एरिया में कोई डॉग है, जैसे किसी गली में कोई बीमार है और कोई चाहे कि उनके लिए आपको फ़ोन करे कि आप ले जाइए, बहुत बीमार है, बट उनका कोई ओनर नहीं है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई जो फ़ोन करता है उसको हम कोशिश करते हैं कि वो वॉलंटियर बन के आए, बिकॉज ऐसे डॉग्स फिर क्या होता है कि परमानेंटली आ जाते हैं, तो बहुत अगर केस क्रिटिकल हो तो कभी कभी हम ले भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। बट कोशिश ये रहती है कि कोई उसके साथ जुड़ा हो, एक आदमी जो वॉलंटियर हो। कितने सालों से चल रहा है ये हमारा? 2014 से चल रहा है। 2014 से 10 साल हो गए। 10 साल में आपको क्या लगता है यहाँ सबसे जो आपको क्रिटिकल कोई कंडीशन याद हो कि ऐसे भी कंडीशन आया और हमने संभाला है? तो एक डॉग था जिसको कैंसर था, इनफैक्ट वेजाइनल ट्यूमर था उसको। अच्छा। उसको लेके आए थे हम लोग और बहुत ही बुरी कंडीशन थी, अगर आप देखते तो उस वक्त लगता कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन पहले हमने उसको फर्स्ट एड दिया, वहाँ जाके रेस्क्यू किया, फर्स्ट एड दिया, फिर उसको लाए। हमारे यहाँ वेट फैसिलिटी है, वेट्स विजिट करते हैं और पैरावेट्स हैं, तो उनको किया, उसके बाद हमने उसकी सर्जरी करवाई, हॉस्पिटल ले गए उसको ले जाके सर्जरी करवाई और वो डॉग बिल्कुल ठीक हो गया उसके बाद। वहाँ फिर उसका कोई ओनर मिला, कोई लेके? नहीं, ओनर तो था, ओनर था, हाँ ओनर। अच्छा, मतलब ओनर है पर वो अगर इलाज नहीं करवा सकते, मतलब किसी कोई घर में है और उनके कुत्ते बीमार हो गए और वो इलाज नहीं करवा सकते? घर के कुत्ते को भी कर देते हैं, बट हम प्रेफर करते हैं स्ट्रे डॉग्स, मतलब कि जो ये जो इंडीज डॉग होती है ब्रीड, क्योंकि ये वाली जो ब्रीड है, ये जो पेट वाले डॉग्स होते हैं वो ब्रीड यहाँ बहुत सर्वाइव नहीं कर पाती, सो इलाज करा के लोग ले जाते हैं। बहुत सारे पेट्स भी आते हैं, पेट डॉग्स भी आते हैं, कैट्स भी आती हैं, रैबिट्स भी आते हैं, सब तरह के जानवर आते हैं। अच्छा, तो मैंने डॉग बोला था बट नहीं, यहाँ पे हर तरह के जानवर आते हैं। आप मतलब एनिमल ही है, कोई भी जानवर जो बीमार है उसको आप यहाँ लेके आ सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और मतलब यहाँ अगर किसी को फ़ोन करना है या फिर मेल करना है, आप वो बता सकती हैं? हाँ बिल्कुल, मेल भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर भी कर सकते हैं, मैं फ़ोन नंबर में आपसे शेयर कर लूँगी। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर वो नंबर दिखा दिया जाएगा। उसके अलावा अगर इस यहाँ कोई आना चाहे ऐसे ही, मतलब किसी का है नहीं कोई डॉग, बट उसको कहते हैं ना एक भावनाएं हैं ऐसे डॉग्स के लिए जो बीमार है, तो वो कैसे जुड़ सकता है? सो वॉलंटियरिंग एक एक्टिविटी है, आज इनफैक्ट बहुत बड़ा एक वॉलंटियरिंग एक्टिविटी हमारे यहाँ चल रहा है, जहाँ पे बहुत सारे करीब 50 के करीब वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
हैं और वो आके यहाँ पे इस जगह में, क्योंकि उनका डॉग से बहुत प्यार है और वो पेट्स नहीं हैं, वो आके पूरी हेल्प कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, प्लांट्स लगा रहे हैं, बिकॉज प्लांट्स चाहिए होते हैं, डॉग्स को गर्मी बहुत है तो प्लांट्स लगा रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं डॉग्स को, कोई छोटा मोटा कोई और काम हो तो वो भी कर रहे हैं। इन्होंने फंड रेजिंग भी करी है, सामान भी लाए हैं, आटा है, चावल है, लोग लेके आ रहे हैं, ब्लैंकेट्स हैं, लोग लेके आए हैं। तो आप हमेशा जुड़ सकते हैं, एज अ वॉलंटियर आप जुड़ सकते हैं, जुड़ के जो करना चाहें। मेडिसिन की हमें बहुत ज़रूरत रहती है सारा टाइम, हम क्योंकि हमारा ऑनगोइंग बेसिस पे बीमार डॉग्स होते हैं, तो मेडिसिन भी बहुत सारे लोग लेके आए हैं आज, तो मेडिसिन भी हो रही हैं। तो वो सब अगर कोई ऐसे ही बस सिर्फ देखने घूमने आना चाहे, मतलब ठीक है डोनेशन वगैरह जो भी है वो तो आप जिस तरह से देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं, ऐसे ही कोई घूमने आना चाहे, जैसे होता है किसी को कि कहते हैं ना आज के ज़माने में लगाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो किसी को हो तो क्या आ सकता है जुड़ने की? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि डॉग्स जितनी हमें ज़रूरत है डॉग्स को देखने की, डॉग्स को भी ह्यूमन टच की ज़रूरत है, तो डॉग्स भी इंसानों के बीच में रह के खुश रहते हैं। तो आप वॉलंटियर करिए, आइए हमारे डॉग से खेलिए, हमें वो भी अच्छा लगेगा। डॉग्स को नहलाना चाहें, ग्रूम करना चाहें, खेलना ही चाहें, सिर्फ उनके साथ चक्कर काटना चाहें, वो भी वेलकम। डॉग्स के लिए किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर है? यहाँ पर मैंने एक ओटी देखा जहाँ एसी वगैरह तो लगा है। सो एक हमारे यहाँ ओपीडी है, वहाँ पे हम सर्जरीज वगैरह करते हैं। डॉग स्टेरलाइजेशन की हमारी बहुत बड़ी स्कीम चल रही है, जिसमें देखिए कोविड के दौरान बहुत डॉग्स की मल्टीप्लीकेशन हुई है, तो हमने कोशिश ये करी है कि जो मल्टीप्लीकेशन हुई है, शेल्टर कितने खुल जाएंगे, कितनों का इलाज करेंगे, बढ़ने कम होने चाहिए डॉग्स, तो हम स्टेरलाइज करते हैं डॉग्स को। तो यहाँ पे हमारे ओटी में कॉन्स्टेंटली मतलब डेज फिक्स्ड हैं और न्यूट्रिंग ऑफ डॉग्स चलता है, जिसमें वैसे कि नॉर्मल सर्जरीज भी होती हैं और न्यूट्रिंग सर्जरीज होती हैं। उसके बाद एक ओपीडी है हमारे यहाँ, मतलब ओपीडी के बाद एक पोस्ट ऑप केयर भी होता है, वहाँ पे हम डॉग्स को 4-5 दिन रखते हैं और फिर करते हैं। और हम स्टेरलाइज करने से पहले ब्लड टेस्ट भी करते हैं, जो बहुत लोग ओमिट करते हैं, हम लोग ब्लड टेस्ट करके डॉग्स को फिर स्टेरलाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेटनरी डॉक्टर परमानेंट है? हमारे यहाँ पैरावेट परमानेंट है, वेटनरी विजिटिंग है, हाँ, बिकॉज पैरावेट दो पैरावेट्स हैं, इनफैक्ट 2 पैरावेट्स आर देयर परमानेंट, और एक विजिटिंग, मतलब 1-2 विजिटिंग डॉक्टर्स हैं। हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप्स हैं, तो जो बिग सर्जरीज होती हैं वो तो हॉस्पिटल में ही होती हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पे नहीं होता, वो लेके फिर जाते हैं? अगर बड़ी सर्जरी हो तो लेके जाते हैं, जैसे न्यूट्रिंग है, छोटी मोटी सर्जरी, वो सब हमारे यहाँ ओटी में हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सुना। और भी हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की और ज़्यादा कोशिश करते हैं। आप चाहे तो यहाँ आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, आप चाहे तो इन कुत्तों के लिए कुछ कर भी सकते हैं, और भी जानवर हैं यहाँ पर तो उनके लिए भी आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं अभी पहले सिर्फ हम जुड़ना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी आ सकते हैं यहाँ और देख सकते हैं। अगर आपके भी अंदर ऐसी भावनाएँ हैं कि मैं जाऊँ और कुछ मदद करूँ, इन निःशब्द जो कह नहीं सकते, अपने दर्द को बयां नहीं कर सकते, उनको आप अगर फील करना चाहते हैं, यहाँ रह के उनका दर्द कम करना चाहते हैं, और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसी के दर्द को बांटने से हमारा दर्द भी कम होता है, तो यहाँ एक बार ज़रूर आइएगा। और बाकी हम कुछ लोगों से ज़रूर बात करते हैं एक बार फिर से। जैसा कि नीरू जी ने बताया कि यहाँ पर आज एक इवेंट हो रहा है, जहाँ पर लोग आ रहे हैं, वॉलेंटियर्स आ रहे हैं, पेंटिंग और जो पेड़ पौधे भी लगा रहे हैं, ताकि जानवरों को थोड़ा राहत पहुँच सके और लोगों को भी उनसे लगाव हो सके। तो हम कुछ वॉलेंटियर से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आज ये फंक्शन क्या है। जी, आप अपना नाम बताएं। हरिवंशिका। हरिवंशिका, यहाँ पर आप आज क्यों आए हैं? एक्चुअली हम लोग ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था टेक अ पॉज, ताकि लोग शेल्टर पर आए, वो इंडीज के बारे में, रेस्क्यूड एनिमल्स के बारे में जाने, एंड जैसे कि शेल्टर वॉल्स हैं उनको पेंट करें, बच्चों को खाना खिलाएं अपने हाथों से, प्लांट्स लगाएं, ताकि हम नॉट, ये सिर्फ नहीं होता कि फंड्स रेज करने हैं या कुछ करना है, इट शुड बी अबाउट कि लोगों के प्रति वो भावना भी आनी चाहिए कि हमने कुछ किया। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ऑनलाइन फंड रेज कर देते हैं, लेकिन ना एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं आता। अब यहाँ पे उनको ऐसे आके लगता है कि हमने कुछ किया, हमारी एक निशानी है जो उन बच्चों के साथ हमेशा रहेगी। जी बिल्कुल, यही अभी मैं भी यही कह रही थी कि अगर आप अभी कुछ डोनेट नहीं भी करना चाहते, आप जुड़ना चाहते हो, तो आप यहाँ आ सकते हो। और इसी को लेकर आज ये कैंपेन चल रहा है, सही है ना? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो और आज क्या हो रहा है यहाँ पर? पेंटिंग हो रहा है और पेड़ पौधे लगा रहे हैं। हाँ जी, एंड हम लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं रेस्क्यू डॉग्स के बारे में। हम लोगों ने जैसे अंदर बताया कि बहुत सारे डॉग्स इंजर्ड हैं, एंड वो जब हील हो जाते हैं तो उनके पास जाने के लिए कोई घर नहीं है, बिकॉज लोगों को लगता है कि हम बाहर से कहीं से कोई डॉग खरीद लें, या शेल्टर में तो सिर्फ बीमार कुत्ते होते हैं। लेकिन आप ये देख लीजिए कि शेल्टर एक अनाथालय की
अनाथालय की तरह है, जहाँ पे बहुत सारी जाने हैं जो एक घर ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसे बन चुकी है कि बहुत सारे स्टिग्मा है, मिथ है कि वहाँ से कुत्ता लाएंगे तो कुछ नहीं होता है। आप जैसे एक किसी घर के बंदे को हॉस्पिटल से लेके आते हो, उसकी टेक केयर करते हो, वो बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं, ऐसे ही आप किसी रेस्क्यूड एनिमल को लेके आओगे, वो एकदम अच्छे हो जाएंगे, आपकी फैमिली का पार्ट बनेंगे एंड आप एक जान बचाने में बहुत बड़ा आपका हाथ हो सकता है और इसे कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको। हाँ जी। तो इस कैंपेन में मतलब लोग जो आए हैं वो कैसे जुड़े आपसे? हम लोगों ने इंस्टाग्राम पर पर्सनली रीच आउट किया, सोशल ग्रुप से रीच आउट किया, एक इंस्टाग्राम ग्रुप है वर्कोहॉलिक्स, हमने उन लोगों के साथ कोलैबोरेट किया है। आप इस ग्रुप के बारे में बताएंगे क्योंकि शायद हमारे दर्शक उससे जुड़ना चाहें। बेसिकली वर्कोहॉलिक्स की एडमिन एक्चुअली दूसरी है, हम लोगों का मैक फॉरएवर है, ठीक है, मैक फॉरएवर है हमारी चैरिटी का नाम, हम दोनों निधि दीदी एंड मैं उसको गाजियाबाद में चलाते हैं हम लोग। हमारे सारे रेस्क्यूज निःशब्द आते हैं, तो हम लोगों ने जब सोचा इवेंट्स के बारे में तो हमें लगा कि हम सबसे पहले वहाँ से शुरू करते हैं जिस जगह ने हमारे बच्चों को ठीक किया है, ठीक है। तो वी वॉन्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट आर फर्स्ट इवेंट फॉर द शेल्टर, टू द शेल्टर, बिकॉज यहाँ पे रिंकू भैया हैं, दीपक भैया हैं, विवेक भैया हैं, निःशब्द का स्टाफ इतना अच्छा है कि वो हमारे बच्चों की बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं। जैसे हमें पता है कि कभी कभी डेथ भी हो जाती है, अब जानवर को रेस्क्यू करते हो इट्स इनएविटेबल, वो भी हो जाती है, लेकिन एटलीस्ट आई नो कि मेरा बच्चा यहाँ पे आया है तो वो सुरक्षित हाथों में है, उसको हाँ जब तक हो सके पूरी कोशिश की जाएगी उसको बचाने की, इसलिए आप क्या बताएंगे? एक चीज़ है जो हम लोग बहुत ज़्यादा मिथ रखते हैं डॉग्स के बारे में कि अगर हम उनसे टच करेंगे या फिर मिलेंगे या फिर जैसे हमारी कॉलोनी में भी जो होते हैं उनके बारे में ये सोचते हैं कि उनको भगाना है, बट ऐसा नहीं होता है। जब जो मेन मोटिव है हमारा ये इवेंट वगैरह करने का कि लोगों को एजुकेट करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। एजुकेट तो ठीक है, पर बहुत लोग हैं जो डरते हैं और आजकल बहुत इस तरह की न्यूज़ भी आपको देखने मिला होगा जिसमें कुत्ते काट रहे हैं, खासकर नोएडा की न्यूज़ आए हैं, तो शायद इससे नहीं लगता आप लोगों को थोड़ा सा डील करना चाहिए? क्योंकि अगर इस तरह न्यूज़ आते हैं तो लोग और भागते हैं। हाँ, इसीलिए हमें अवेयरनेस फैलाना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लोगों को लगता है अगर कुत्ते ने काट लिया तो रेबीज़ हो जाएगा। अच्छा। बट ऐसा नहीं होता है, उसके लिए वैक्सीनेशन होता है प्रॉपर, इसलिए हमें स्टेरलाइजेशन भी, उनकी जो ओवर पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल कराने के लिए हमें स्टेरलाइजेशन ड्राइव चलाते हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव चलाते हैं। और अगर हम डॉग्स को प्रॉपरली, अच्छा, इस तरह से अगर डॉग वायलेंट हो जाता है जैसे आजकल न्यूज़ में आ रहा है, तो क्या करना चाहिए लोगों को, जो आम लोग हैं जिनको शायद डर लगता है वो कैसे डील करें? एक तो हमें एक चीज़ ये मतलब गार्ड बांध चाहिए कि हमारे जो कॉलोनी में एटलीस्ट जो है उनको हम एटलीस्ट थोड़ा एक टाइम तो हम उनको फीड कर सके, क्योंकि अगर उनका पेट भरा रहेगा तो वो थोड़ा इतना आकर्षक नहीं होंगे। उसके बाद में स्टेरलाइजेशन उस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारी, और वैक्सीन तो है ही हमारा एकमात्र। तो यहाँ पे सब वैक्सीनेटेड होते हैं? हाँ, मोस्टली, यस। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब ये जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको भी रेबीज वगैरह का इंजेक्शन दिया रहता है? हाँ जी, रेबीज का इंजेक्शन दिया रहता है एंड रेबीज इज़ अ वेरी डिफरेंट डिजीज। जैसे कोई कह देता है कुत्ता पागल हो गया, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता नहीं, रेबीज ऐसे नहीं होता। जिस डॉग को रेबीज है वो हवा को भी काटने की कोशिश करेगा, उनके जो मूवमेंट्स होंगे वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे, मुंह से हमेशा झाग आता रहेगा एंड अनफॉर्चुनेटली रेबीज इज सच अ डिजीज़ कि विद इन 15 डेज डॉग की डेथ हो जाती है। लोग कहते हैं ना ये तो पागल है, हमेशा से ही पागल है, रेबीज है, इसको बीमारी, ऐसा नहीं होता है। इट्स जस्ट वो लव एंड केयर का, जैसे आप देखोगे कि कोई इंसान होता है उन्होंने कुछ ट्रॉमा झेला है कुछ, तो वो भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। इट्स द सेम विद एनिमल्स, अगर प्यार मिलेगा, खाना मिलेगा तो सब कुछ ठीक हो सकता है। इंसानों के साथ, जानवरों के साथ, सबके साथ वही है, हर जीव को सिर्फ प्यार चाहिए एंड दैट कैन हील एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपने सुना और इन्होंने जितने प्यार से बोला है हमारे बच्चों, तो उससे आपको ऐसे भी फील हो रहा होगा जो वॉलेंटियर्स यहाँ आते हैं वो कैसे अपने बच्चों की तरह ही इनको ट्रीट करते हैं, और यही चाहते हैं ये कि लोग इस तरह की भावनाएं जिनके अंदर है वो आए, इनसे जुड़े। और इसकी सारी डिटेल्स हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, आपके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यहाँ से जुड़ने के लिए हर एक डिटेल मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो यहाँ आ सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं, इनके दर्द के थ्रू अपना दर्द भी थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि दर्द बांटने से सच में कम होता है। फिलहाल मुझे मीनू वर्मा को कैमरा पर्सन भागवत के साथ यहीं पर इजाजत दें, शुक्रिया।